कोरोना के साए के बीच इस बार दीपावली कुछ खास रहेगी। इस बीच दीपावली में कई तरह के रंग भी देखने को मिलेंगे। हर बार की तरह इस बार स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है। इसी कड़ी में सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से नई पहल भी की गई है। विभाग दीपावली के लिए 2 करोड़ गोबर के दिए बना रही है। बताया जा रहा है कि चीन की मोमबत्तियों के टक्कर में गोबर के ये दिए आत्मनिर्भरता की ओर एक इशारा है। ये दिए प्रदेश के गो सदनों में बनाए जाएंगे जो दीपावली के बाद भी काम आ सकेंगे। तय किया है कि गौ के गोबर से हम 2 करोड़ दीपक जो है वो तैयार करेंगे और जिसमें जहां गौशालाओं को सेल्फ सस्टेन आत्मनिर्भर करने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा कदम जो है वो गौ सेवा आयोग ने जो है वो लिया है और मुझे लगता है कि इसकी व्यापक अभी ट्रेनिंग पार्ट चला है कि हम गौशालाओं के अंदर जो है जो गौ पालक हैं और उससे संबंधित जो हमारी एनजीओस हैं जहां हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अब हमारा दूसरा चरण है कि उसको मार्केट करना है। दीपावली से पहले पहले इन ये जो तैयार किए गए जो हमारे प्रोडक्ट होंगे इनको लोगों तक जो पहुंचाना ताकि जो मोदी जी ने कहा है कि हम लोकल को वोकल करेंगे और जो अधिकांश जो आज से पहले जो ये दीवे भी जो थे वो चाइना से बन करके आते थे, जो मोमबत्ती आती थी वो चाइना से आती थी, हम स्वदेशी की ओर जो लोगों को ले जाएंगे। इन दियों के बनाने की विधि कई मिश्रणों को मिलाकर तैयार होगी जिसमें गोबर की मात्रा ज्यादा रहेगी। इस्तेमाल के बाद इसे खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में इसकी क्या कीमत रहेगी इसका अभी कोई अंदाजा नहीं। वहीं सरकार को इससे क्या मुनाफा होगा और इस पर क्या खर्च रहेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। पीचंद समाचार फर्स्ट। या तो रखे सारा अभिमान। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।